नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर्स होम में। हम खड़े हैं लखनऊ के कृषि विज्ञान केंद्र में। यहाँ पे आम के पौधों में कलम तैयार करी जा रही है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप आम के पौधों में कैसे कलम तैयार करेंगे। इसमें तरीका ये होता है कि ये जो नीचे का पौधा होता है, ये बीजू पौधा होता है, बीज लगा के ये पौधा तैयार किया जाता है। उसके बाद लगभग एक फीट के ऊपर से आप ये देख सकते हैं, ये कलम बांधी जाती है। क्या तरीका है कलम बांधने का, कलम तैयार करने का, अभी आपको हम वो पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें अपना प्यार दीजिए, जिससे हम आने वाले समय में और ज़्यादा उत्साह के साथ आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई और भी खबरें दिखा सकें। धीरे धीरे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि खेती से संबंधित हम कौन कौन से व्यापार आगे कर सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाई आगे चल के अपने जो कृषि उत्पाद हैं उनका प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चलिए देखते हैं इस वीडियो को, सीखते हैं कैसे आम के पौधे में कलम तैयार करी जाती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक प्लेन एरिया है, उसको थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया है। नीचे नाली है पानी निकलने के लिए, ऊंचाई पे इसलिए बनाया गया है जैसे अगर बरसात का पानी होता है तो पानी ऊपर ना टिक कर नीचे आ जाए। और यहाँ पे आम की गुठलियों को डाला गया है। ये देखिए आम की गुठली जो जर्मिनेट हुई है, देखिए आम की गुठली आपको सामने दिख रही है। और ये आम की गुठली पौधों में परिवर्तित हुई है जब इनसे अंकुरण फूटा है और इनसे पौधे बने हैं। तो पौधों के बाद इन गुठलियों को निकाल कर पन्नी में डाला जाता है, पन्नी में लगा दिया जाता है पॉली बैग में। और उसके बाद जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब इनकी कलम बनाई जाती है, जो हम आपको प्रोसेस अभी आगे दिखाने वाले हैं। ये देखिए आम की गुठली कैसे पड़ी है। और ऊपर से मल्चिंग घास जो है, पुरानी घास, उसका इस्तेमाल मल्चिंग के लिए किया गया है, जैसे कि खरपतवार थोड़ी कम रहे और नमी बनी रहे, इसलिए मल्चिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस तरीके को भी आप कर सकते हैं अपने आम के पौधे की कलम को तैयार करने के लिए। बस इतना देख के काटना है कि नीचे पत्ता जरूर रहे। अच्छा, ये वाला नीचे से तीन चार पत्ते, हाँ ये जो पत्ते जरूर रहे, मतलब जहाँ से बीज लगा है उससे कम से कम एक फीट ऊपर से काटना है। ऊपर से अगर मान लीजिए तब भी पत्ता नहीं, एक फीट नहीं जरूरी है, कम से कम देखिए ये पत्ते ना हो इसमें, ठीक, तो पौधे कलम बांधे तो मुश्किल है, साफ है, चल भी जाए तो मर जाएगा बाद में जाकर। अच्छा, अगर पत्ते नहीं होंगे तो? हाँ पत्ते नहीं होंगे तो मर जाएगा। चार पांच पत्ते होने बहुत जरूरी है। तो एक दो खच, जैसे इसमें मैंने दो, एक खच दो तीन छोड़ दिया है, इसमें एक भी रहे यहाँ भी बांध दू तो भी चलेगा। अच्छा, ऊंचा उठा दिया हूँ, सही जाएगा। तो बोलो खड़ा करा जा ना, कच्चा होना चाहिए, ये पक्का हो, ठीक है, इसकी आँख सही हो, ठीक है, इसकी तना देखिए सही एकदम एकदम, ठीक है, ये सुकड़ा होना, ठीक है, ये हो, इसकी पत्तियां काट दो, चार दिन से लेके छह दिन, सातवां दिन तक लमसम ये इसकी डंडिया झड़ जाएगी। फिर आप काट के दो दिन बाद काट के इसको लाइए, इसमें कर दीजिए। इसमें इसको किसी केमिकल में रखा गया है या कैसे? डायरेक्ट काट के लाइए, काट के इसको, शायद हमने देखा आपने गीले बोरे के अंदर से निकाला था, जैसे काट के भैया जब आप सुबह काट के लाए थे, अभी सूखा रख देते। अच्छा, और ये इस वैरायटी के पेड़ से काटा होगा? हाँ, अच्छा, नहीं, जैसे लंगड़ा है ना, हाँ, इसी वैरायटी से काटा। तो लंगड़ा से आपने काटा है ये? हाँ, लंगड़ा के पेड़ से। हाँ, इसलिए हमने बोरी में इसलिए रखा है जो इसको धूप लगे, इसका मोचर न सूखे। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये जो जिसपे हम लोग कलम कर रहे हैं ये बीजू पौधा होगा? ये बीजू है ना, बीजू देसी आम का। मैंने ऊपर से काट के नीचे गिरा दिया है वो पक्के रोड में, तो गिरने के बाद इसका रस निकल रहा है, ये सब होती है। इससे पता चल रहा है ये ताजा है और आज का ही है। शुरुआत से जैसे नई डंडी ली, गाय के लिए वीडियो बना दे, बनाते रहे, अभी बता देता हूँ इनको, वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये पेड़ है, इसी मांग चलते हैं, ये पेड़ हम इसी साइज की कलम लेना, ज्यादा नहीं मोटा नहीं, हल्का बहुत चल जाएगा 19-20, ठीक है, ठीक है, ज्यादा मोटा नहीं चलेगा, इसी के साइज से लेना है बस, ठीक है। फिर पेड़ में ऐसे 20 से कट लगाना है।
पन्नी लगा के बांध दे। ये पन्नी कौन सी होती, कोई अलग विशेष तरह की पन्नी होती है? इसकी पन्नी अलग होती है। अच्छा, क्या तरीका होता है पन्नी बांधने का? ये देखिए नीचे से टाइट करके, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि हवा नहीं जानी चाहिए? जैसे ये यहाँ तक चीरा हुआ है, ठीक है, पन्नी यहाँ तक लेंगे हम, ठीक है, नीचे से यहाँ घुमाएंगे, हाँ, तो दो फेरा यहाँ घुमा लेंगे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे टाइट करते हुए, हाँ, ये दबाते हुए टाइट पन्नी करते हुए ऊपर ले आएंगे, ठीक ठीक, यहाँ ला के फिर घुमा के लौटा के यहाँ गांठ मार, एक बार इसमें फिर से बांध के दिखाइए। मतलब ये इसमें हवा नहीं जानी चाहिए अंदर तक, है ना? हवा नहीं जानी, जो ये लगा है ना ये चिपका हो जैसे एकदम ऐसे, तभी इसमें सेट हो जाएंगे। अच्छा, कितना टाइम लेता है सेट होने में? कम से कम 10 दिन में आपको फुटआउट ले सकते हैं। अच्छा, ऊपर का हिस्सा 10 दिन में? देखिए अमरपाली के सबसे फास्ट है, उससे फास्ट है इसका क्या कहता है, एक हमारे यहाँ सूर्या वेरायटी सबसे फास्ट है। अच्छा, लगाते हफ्ता दिन में फुटना शुरू। तो ये कौन सी वेरायटी है? ये लंगड़ा है, लंगड़ा वेरायटी है। कौन कौन सी वेरायटी है यहाँ पे? इसमें तो अभी 2-3 वैरायटी लगाए हैं। तो दोस्तों अब मानिए कि आपकी कलम तैयार हो गई है और आपने 1000-2000 पौधे तैयार कर लिए हैं अपने खेत में लगाने के लिए, तो आप इस तरह की नाली बना सकते हैं, इस तरह क्यारी बना सकते हैं, और क्यारियों में देखिए आप नाली बना सकते हो। आप देखिए यहाँ की जमीन कितनी अच्छी है कि आपको देखिए केचुआ भी दिखाई दे रहा है, देखिए अंदर जाते हुए ये केचुआ है। तो यहाँ इस नर्सरी में किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको केचुआ भी दिखाई देगा। और आप ये देखिए कि ये जो पानी दिया गया है, किस तरह क्यारी बनाई गई है, ऐसे क्यारी बनाकर पानी दिया गया है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप क्यारियों में पानी डालिए और बीच में एक जगह खोल भी दीजिए जहाँ से थोड़ा सा ऊँचाई पर, जैसे अगर पानी ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा होके नीचे वाली दूसरी क्यारी में आ जाएगा, और इस तरह करके आप इन पौधों को लगातार पानी भी दे सकते हैं, क्योंकि इनको ऊपर से पानी नहीं देना चाहिए जैसे लोग पाइप से देते हैं ना स्प्रे करके, वैसे पानी नहीं देना चाहिए। और वैसे अगर पानी देंगे तो इनकी कलम हिल सकती है, हल्का सा कुछ दिक्कत हो सकती है पौधों में। अब ये देखिए ये कलम लगभग 1.5 महीने के आसपास तैयार करी गई थी, और आज के टाइम आप देखिए कितनी बढ़िया कलम तैयार हो चुकी है, ये पौधे बिल्कुल जर्मिनेशन ले चुके हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप अपने बाग को तैयार कर सकते हैं, और सस्ते में आप पौधों को ना खरीदें अगर, और ख़ुद भी आप इस तरह का छोटा मोटा व्यापार कर सकते हैं अपने गांव में, और आप किसानों को इस तरह बाग तैयार करके आप आगे उनको बढ़ा सकते हैं। और बहुत साधारण चीज़ें आप अगर देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे भी आप देखिए साइड में ये बेल के पौधे लगे हुए हैं, और इसमें बीच में आपको ये बेल का पौधा दिखाई दे गया, आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं। आप इस तरह की चीज़ अपने बागों के बीच में भी कर सकते हैं, बागों में भी आप तैयार कर सकते हैं, और इस तरह करके आप स्वरोजगार कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अपनी खेती के साथ साथ आप एक काम और करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच आप इस वीडियो को भेजिए, जैसे कि किसान इसे देखें, सीखें और अपने हुनर को आगे बढ़ाकर नया व्यापार शुरू कर सकें। धन्यवाद।